आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी एम्पावरमेंट अलायंस की ओर से की जा रही है। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि 2015 में 9 अक्टूबर 2015 में हमारी रिजर्वेशन एंड प्रमोशन को स्टक डाउन किया था J&K हाई कोर्ट ने, डबल बेंच ने। तो इसी सिलसिले में हम प्राइवेट पार्टी बन के हम सुप्रीम कोर्ट में गए, वहाँ से स्टेटस को आया, उसके बाद वहाँ स्टेटस स्टे ऑर्डर आया, लेकिन जहाँ का ब्यूरोक्रेट उसे मिस इंटरप्रेट किया उसने, और आज गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने जब इस समस्या को समझा, इस बात को समझा, तो उन्होंने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के लिए, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजा, और वहाँ से जो 77B है उसे अमेंड करने को, जहाँ पर एक्सटेंड करने के लिए उन्होंने लिखा, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस निकाला 1 मार्च का निकाला है, लेकिन जहाँ का ब्यूरोक्रेट आज भी उसे इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जबकि वही स्टेट J&K हाई कोर्ट, वहाँ का ऑर्डर है कि ये ऑर्डर है कि उसे इंप्लीमेंट किया जाए, इसे जो हमारा जो एक्सटेंशन है 77 की 16-4 की जो उसे इंप्लीमेंट किया जाए, जम्मू कश्मीर के अंदर इंप्लीमेंट किया है। ये ना हाई कोर्ट को मानते हैं, ना तो ये वीरो के ये किसी मंत्री को मानते हैं, ना किसी सरकार को मानते हैं, और ना ही गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को मानते हैं। बहुत ही हैरानगी की बात है, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचती है, हमारे पास अब जी एजिटेशन की ऑप्शन बचती है, और सारे का समाज पूरे का पूरा ST OBC मंडियाटी जब रोडों पर उतरेंगे, इस गवर्नमेंट को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मेरी अपील है कि जल्द से जल्द इसे, इसको मेरी गवर्नर महोदय से भी मेरी अपील है, जल्द से जल्द इसे इंप्लीमेंट किया जाए, वरना ये जो हमारी अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो हमारे इस हक में नहीं उतरेंगी एंड मास उनके खिलाफ जाएंगे, ये वक्त आ गया है, उनको सबक सिखाएंगे। बड़ी क्लियर सी बात है। उनका क्या नाम है जो ये ऑर्डर नहीं मान रहे, जो ये ऑर्डर नहीं मान रहे उनका क्या नाम है? ये जो लॉ डिपार्टमेंट ने जो सेक्रेटरी बैठा है ना, लॉ डिपार्टमेंट के अंदर जो सेक्रेटरी बैठा है या डिप्टी सेक्रेटरी बैठा है, वो हमारा ये ऑर्डर नहीं मान रहे हैं। जब प्रेजिडेंशियल ऑर्डर निकल, ये प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया को नहीं मान रहे हैं, ये गवर्नर को नहीं मान रहे हैं, ये कोर्ट को नहीं मान रहे, कोर्ट का बड़ा क्लियर सा ऑर्डर है। अगर ये मानते किसको हैं, ये ब्यूरोक्रेट किसको मानते हैं, हमें बहुत समझ नहीं आ रही है। हमें पर जब उन्हीं की भाषा में समझाना आएगा, फिर इनके सरकार के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि लोग यहाँ के तंग आ चुके हैं, क्योंकि किसी भी तरह का जो रिलीफ जब नहीं मिलेगा तो लोगों के पास क्या ऑप्शन बचती है बगैर एजिटेशन के, लोग रोडों पर उतरेंगे और गवर्नमेंट को संभालना मुश्किल हो जाएगा। जय भीम, जय भारत।